हर्ष, हर्ष, इसकी वॉइस कैसे ऑन करना मैक्सिमम? या तो वहां से बढ़ा दो सेटिंग्स। वेयर इज दिस सेटिंग्स? से नहीं होगी। फ्रॉम वेयर? रॉकर्स? हो गई हो गई। और ऑफर जा रहा है, वही है, नॉट कनेक्टेड आ रहा है, कनेक्ट कर लो। ऑन है, मतलब ये इस ऑन कहाँ से करते हो बेटा, बताना। मिडल वाला बटन प्रेस करके तो तुम रखो। बताओ, प्रेस करो। अब वापस दबाना ने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हेलो। हाँ, आ रही आवाज बेटा मेरी? हाँ जी साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, मैं लाइव आ गया हूँ बेटा। अच्छा, अभी देख के बता रहा हूँ मैं। आ रही ताऊ जी। ठीक है बेटा, जय श्री कृष्ण, जय वीर भूमि अहिरवाल, जय हिंद रेजिमेंट। आज इस ऐतिहासिक 9 दिसंबर के दिन आपके समक्ष हाजिर हूं। ये आज जो तारीख है, किसी दौर में गुमनाम थी इन रिलेशन टू जो हमारा यादवों का इतिहास है, पर आज बड़ी खुशी हुई, आज कई जगह एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज ही के दिन देश के, कौम के और वीर भूमि अहिरवाल के इतिहास में दो स्वर्णिम अध्याय हैं। पहला 1825 के अंदर 9 दिसंबर को 1857 की क्रांति के महानायक राव राजा तुला सिंह जी बहादुर शान अहिरवाल का जन्मदिन, और दूसरा 9 दिसंबर 1971 को हमारे रेजांगला पलटन के शूरवीरों ने
भारत पाक जंग के अंदर एक इतिहास लिखा। आज इन दोनों ऐतिहासिक दिनों को याद करने, अपने सूरवीर पुरखों को नमन करने के लिए आप सबके समक्ष हूं। देखिए, आज एक बहुत अच्छी शुरुआत ये हुई कि जो ऐतिहासिक ठिकाना है मीरपुर का, वहां की जो गढ़ी है, आज पहली बार जो है राव राजा तुला सिंह जी की जयंती को जो है वहां बड़े जोर शोर से उस गढ़ी के अंदर मनाया गया। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है जिसमें हमारे काफी युवा भी शामिल हुए। सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, याद नहीं रहे तो किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। सचिन इंजीनियर और उनकी जो साथी हैं, एक लड़का हमारा चित्रकार बड़ा अच्छा मन, मुकेश सुल्तानिया और भी कई थे जिनको मैं शायद दिमाग से मेरे नहीं आ रहा, वहां उस चीज के अंदर ही उपस्थित हुए। और ये एक बड़ा अच्छी पहल है। मीरपुर की जो घड़ी है, हमारे पुरखों की आन बान शान और 1857 की क्रांति की भी एक दस्तावेज है। राव राजा तुला सिंह जी बहादुर 1857 की क्रांति के वो गुमनाम नायक, मैं गुमनाम इसलिए बोल रहा हूं कि जो ऐतिहासिक पटल पे उनको स्थान मिलना चाहिए वो शायद अभी भी मिल नहीं पाया है। आप कहोगे कि जी ये तो सब जगह अब मनाया जाता है, बिल्कुल, आज से 20 25 30 साल पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना व्यापक हो जाएगा कि अहिरवाल से भी बाहर जाएगा। और सबसे जो चोट ये पहुंची हमारे लोगों को कि जो सूत्रधार थे मेन 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार, उनको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। देखो, कुछ विरली बातें हुई हैं, आप अगर गौर करें तो पहली चीज तो ये हुई कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहले महानायक थे जो देश को आजाद कराने के लिए विदेश गए, विदेशी शक्तियों से सहायता मांगी। पहले राव राजा तुला सिंह जी बहादुर और दूसरे मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन आप ये देखिए, राव राजा तुला सिंह जी को कभी भी वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। जिनकी सारी कहानी 5-7 दिन की है, वो तो इसके जननायक बन गए हैं, लेकिन जो मुख्य आदमी जिसने 6-7 साल लड़ाई लड़ी, देखिए कहां तो 6-7 दिन और कहां 1857 से लेकर 1863 तक अपने जीवन के अंतिम काल तक जो है संघर्ष किया। अब इसमें कमियां कहां रही? कमियां हम में भी हैं और दूसरों में भी, पहली तो ज्यादा हमें। मैं राव राजा तुला सिंह जी बहादुर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। राव तेज सिंह जी के पुत्र सबसे बड़े राव पूरण सिंह जी, जो रियासत को जिन्होंने संभाला, उनके पुत्र राव राजा तुला सिंह जी बहादुर, और उनके पिता के देहांत के बाद बड़ी कम उम्र में वो तख्त के ऊपर बैठे। और ऐसी शख्सियत को उनकी माताश्री जो राव जहरी सिंह जी ठिकाना पाल आवास के सरदार थे, उनकी पुत्री थी, तो रानी साहिबा ने राव राजा तुला सिंह जी को उत्तम शिक्षा और संस्कार दिए, शस्त्र और शास्त्र दोनों के संस्कार दिए, बड़े तीखे नैन नक्श के बांके छबीले जवान बने, पाल आवास के वीर निगाणियों के भांजा, उनकी देखरेख में उन्होंने परवान चढ़ा, उर्दू फारसी जानते थे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते थे, और अपने लोगों से, अपने सरदारों से, अपने आम जो भाई बंद थे उनसे जो हमारी अहिरवाटी की भाषा है उसके अंदर बोलते थे। और देखिए, हर मुल्क, हर व्यक्ति, हर कौम की कुछ तारीखें होती हैं, उसमें एक कोई जो सूरमा होता है वो कुछ कर जाता है, बाकी चुपचाप बैठे रहते। तो 1857 के अंदर जो
फिरंगी को मार भगाने का जो पहला जो एक ऐतिहासिक पर्व आया, तो राव तुला सिंह जी ने सच्चे सूरवीर सरदार की तरह इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनका बखान जो कंवर मान सिंह जी आसिया की गोरावास ठिकाने के अहिर सरदार थे, उन्होंने लिखा है, ऊंचा बदन चौड़ा मस्तक और भगवान के बनाया वो शख्स जो देखते ही बनता था। सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, संस्कार के रूप से हो या सरदारी का गुण हो, वो उनको विरासत में मिला। और 1857 की क्रांति में राव राजा तुला सिंह जी ने जो ऐतिहासिक किरदार निभाया, वो इस पूरी हमारी कौम को जिंदा कर गया। कई नालायकों ने दबाने की कोशिश करी या कुछ टिप्पणी करने की कोशिश करी, तो बहुत सारे लोगों ने, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में खोजना शुरू करा। अभी भी एक बच्चा जो IITian है, अक्षय, वो बड़ा अच्छा उसमें कार्य कर रहा है, कुछ और भी बच्चे कर रहे हैं, नौजवान बच्चे। हमने भी कोशिश करी, और भी बुद्धिजीवी कई हुए हैं, डॉक्टर KC साहब हुए हैं, और सबसे पहले तो राव मान सिंह जी ने लिखा। मेरी खुद माता जी जो ठिकाने पालावास के निगाणियों की बेटी है, वो भी मेरे को किस्से बताती थी कैसे थे वो। तो बचपन से ही मेरे ख्याल से हमारी पीढ़ी को तो राव तुलाराम के बारे में काफी कुछ मालूम था, लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए तो हमें लगा कि नहीं भाई, न्याय नहीं हुआ है, एक क्षेत्र तक या एक कौम तक सीमित नहीं रहना चाहिए महानायक को। और आपको ताजुब होगा, जब हमने उनके बारे में तथ्य खोजना शुरू किया तो इतना शानदार इतिहास, मिर्जा गालिब उनके ऊपर लिखते हैं, अंग्रेज अफसरान तो बहुत सारे जो उस जमाने के कलेक्टर या जंगी सरदार थे, मेजर मालेसन था, स्टॉक्स थे, कई जगह बड़ा अच्छा लिखा। मैं तो ताजुब कर गया, एक फौजी अफसर रिटायर्ड पाकिस्तान का, उसी इतिहासकार ने लिखा कि भाई कुछ तो अपने निजी स्वार्थ में लड़े थे 1857 की क्रांति में, कुछ अपनी जागीरें बचाने के लड़े थे, कुछ और किसी स्वार्थ में, लेकिन राव तुला सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर फिरंगी को मार भगाने के लिए ही देश को आजाद करने के लिए लड़े थे। एक बहुत बड़ी बात है, एक गैर मुल्क जो कि हमारे विपक्ष में ही रहते हैं पाकिस्तानी, वहां का एक फौजी इतिहासकार, खुद फौजी आदमी ऐसी बात कर रहा है। कई बार हमने कोशिश की है इनके ऊपर सेमिनार किया जाए या चर्चा के लिए, जो ये मूर्ख जो है, निकम्मे लोग कई बार वो करते हैं, आओ भाई बैठो। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और जैसे जैसे खोजबीन होती जा रही है, क्या इतिहास निकल के आ रहा है राव राजा तुला सिंह जी का, असाधारण। अरे ऐसे कोहिनूर तो कभी कभी पैदा होते हैं, और मैं सच्चाई से बोलता हूं, 1857 में वो अकेले ऐसे सरदार थे जो सर्वमान्य थे। उनकी सरदारी में लाल घाटी नसीबपुर में जो युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ 16 नवंबर 1857 को, उसकी उनकी सरदारी में कौन कौन लड़े? जोधपुर के वाले लड़े, शेखावटी के लोग लड़े, मेवाती लड़े, झज्जर के नवाब और दूसरे कई जगह के नवाब, यानी सर्वमान्य नेता। कितना विश्वास था हर नस्ल को, हर कौम को, हर इलाके को, कि भाई ये जो ऐसी शख्सियत है यही मुकाबला कर सकते हैं। और अभी मैंने एक हाल में पढ़ा तो एक अंग्रेज अफसर जो कि उनका बैरी था, उन्होंने क्या लिखा, ताज्जुब करोगे। राव किशन सिंह जी जो उनके काका जी थे, जिन्होंने मेरठ से शुरुआत करी इस क्रांति की, और नसीबपुर में सेनापति मुख्य वही रहे थे कैवलरी में, आप ताज्जुब करोगे, लिखा कि राव किशन सिंह ए रिलेटिव ऑफ द फेमस राव तुला सिंह जी ऑफ रेवाड़ी। कितनी बड़ी बात, फेमस। आप देखो जो उनके खिलाफ लड़ा उसको कुख्यात नहीं बोला, फेमस। ये एक बहुत बड़ी बात थी।
हमारे और आपको इसके ऊपर चिंतन मंथन करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। रूस के जार से जो इन्होंने संबंध स्थापित करे लड़ाई जारी करने के लिए, आप देखिए अब पहले तो एक अलेक्सी राइकोव मिले थे, अब एक और बच्चा एक वो कर रहा है, बोला कि मुझे एक दूसरे राइटर के बारे में, तो इसका मतलब अभी बहुत कुछ खोजा इनके बारे में, तो मेरे ख्याल से 5-10% भी नहीं की जो है रिसर्च करी गई है। अब इसमें बात ये आती है कि दोष किसका भाई, दोष दोषी तो हम भी हैं, हमने उस इतिहास को सजोया नहीं, अपने नायक को जो है उचित स्थान और सम्मान नहीं दिलवाया। तो आज जो ऐतिहासिक शुरुआत मीरपुर के अंदर करी है बच्चों ने, और भी कई जगह करी है, वो भी अच्छी बात है। तो आज ट्विटर के ऊपर एक हमारे जो नौजवानों की एक बड़ी अच्छी टीम है, कई बच्चे उसमें लगे हुए हैं, खलियावास वाले खोड़ा राव राहुल है, चंदन सिंह है जो अहिर ग्राफिक्स के हैं, और भी बच्चे जिनका मैं नाम मेरे नहीं आ रहा, लड़का एक हांसी का है अमित मट्टू बोलते हैं, और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने अपने जो सोशल मीडिया के पेजों से और उनसे जो है इसको आज बड़ा सफल बनाया। यह एक अच्छी शुरुआत है। जब तक आप अपने गीत खुद नहीं गाओगे, कौम को ही जब नहीं मालूम होगा तो दूसरा आपके गीत कैसे गाएगा। तो आज जो है मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि सही मायने में 9 दिसंबर का जो ऐतिहासिक पर्व है वो आज आपने मनाया, और इसी पर्व के जो दूसरा एक ऐतिहासिक जो महत्व तो ये भी है, जो हमारी रेजांगला पलटन के छोरे थे वो चढ़ गए थे दुश्मन की छाती पे, जो बॉर्डर पिलर है 638 जैसलमेर पाक हिंद पाक का जो बॉर्डर है वहां पे, आज भी वो गवाह है 13 कुमाऊं वीर हीरों की मर्दानगी का। आप देखिए कि दिन दहाड़े, आप देखिए जब भी मौत, जब आमतौर पे हमला किया जाता है दुश्मन पे तो अंधेरे में किया जाता है स्ट्रेटजी के तहत, दिन दहाड़े बिना किसी चीज की आड़ में और उन टिब्बों में दौरों के अंदर रेजांगला पलटन के छोरे दुश्मन की छाती पे चढ़ गए एक सिंगल यू फाइल के अंदर। और वैसे तो कई लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो हाराकिरी थी एक तरह की, पर जोश है सर, ये पलटन ऐसी है भाई, 62 में जो इन्होंने आयाम रेजांगला के मोर्चे पे खड़े करे गए, तो अब जो रेजांगला पलटन में जो भी भर्ती होता है वो अहिर का छोरा, उसको ये लगता है कि भाई अगर रेजांगला से नीचे कोई काम किया तो फिर ये हमारे लिए शर्मनाक होगा। तो 1971 की जंग में दिन दहाड़े, और उन्होंने पाकिस्तानियों ने सोचा कि क्या है, इनको तो भगा देंगे, हमारी तादाद ज्यादा है, और वो बड़े जोर से चिल्लाए अल्लाहू अकबर, और फिर गालियां उन्होंने पंजाबी में देनी शुरू करी और पख्तूनी में, और इधर अहीर छोरों को जोश आया, पहले तो बोले दादा कृष्ण की जय, और फिर जो ऐसे टूट पड़े कि दुश्मन जो है थोड़ी देर में जो भाग खड़ा हुआ, उनके कई अफसर काबू में कर लिए, जवान हथियार असला बहुत ज्यादा, और हमारे कुछ लोग हताहत भी हुए, कई लोगों ने बड़ा ऐतिहासिक जो है वहां बड़ा मर्दानगी वाला कहते हैं, जो कालिया बोलते थे हमारे लक्ष्मी नारायण साहब, रामपत सिंह साहब, लाल सिंह जी लैस नायक और राव लाल सिंह जी सिपाही, बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया, बलिदान दिया। लेकिन दुखद ये बात हुआ, ये जो मोर्चा, मतलब जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की बम्बार्डमेंट से भाग के पीछे हटे थे लोंगावाले से और इस साइड में आके BP-38 पे आ गए थे 638 पे, उनको सही मायने में तो मारा हमने, हराया हमने, काबू में हमने किया। लेकिन जब अवार्ड वितरण की बात आई तो आप ताज्जुब करोगे, ठीक है बैटल ऑनर सिंध तो मिला, लेकिन जब इंडिविजुअल जो अवार्ड्स ब्रेवरी अवार्ड देने की बात आई तो 2 सेना मेडल और कुछ मेंशन डिस्पैच, जबकि ये ऐसी आमने सामने की मर्दानगी वाली लड़ाई थी जहां अहिर छोरों ने दिन दहाड़े जो है दुश्मन के ऊपर हमला बोला था और सब कुछ तहस नहस कर दिया बैरी का,
और आप देखो कि उस कौम को कुछ भी नहीं दिया गया वहां पे। अब किसी एक छोटे से मोर्चे के ऊपर, जिसमें अभी सवाल उठाती है एयरफोर्स, कई बार मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में, फिल्में बन रही हैं और ये बताया जा रहा है, वो जा रहा है, गलंटी अवार्ड्स भी खूब दिए गए, और जो ये असली जो मोर्चा था इसको तो शायद हम ही ढूंढ के लाए। इससे पहले BP-638 पे कोई बात नहीं थी। मेरे को आज से कई साल पहले मालूम है, एक फोटो जो उसमें दिखा रखा है पुराना ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें एक जो है साहब हमारे को मिले भी थे मेरे को, वो बड़े अच्छे वॉलीबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, सर्विसेज के भी प्लेयर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से उनका नाम रामजी लाल साहब है। तो रामजी लाल सिंह जी जो है ना, उन्होंने बताया कि भाई ये तो मैं हूं उस फोटो में। तब मैंने इस BP-638 के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। हालांकि अब तो आप जो सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जो हमने जो शुरू किया तो हम तो ताजुब करते थे, ऐसी लड़ाई और गुमनाम है बिल्कुल, तो बड़ा दुख होता है। तो इसके ऊपर कुछ रिसर्च करा, और जब वो जो ऐतिहासिक पन्ना आया, बोले ये तो शूरवीरता का बहुत बड़ा अध्याय है जिसके साथ नाइंसाफी करी गई। रेजांगला में भी जो है उचित स्थान सम्मान तो मिला नहीं आज भी नहीं। रेजांगला का तो हर योद्धा परमवीर चक्र का अधिकारी था, ऐसे BP-638 में से हुआ, ऐसे ही जो कारगिल युद्ध में जो है 13 कुमाऊं जो वीर रही रेजांगला पलटन है, उसने कारगिल की लड़ाई की जो सबसे ऊंची चोटी थी उसको फतेह किया। लेकिन वो क्योंकि दौर ऐसा था कि वो सीज फायर से डिक्लेयर हो रखा था शायद, तो उस वजह से वो उसको उचित स्थान सम्मान नहीं मिला। ये इसलिए भी हो रहा है, कंधे पे नाम नहीं है भाई हमारी, जो है बात को ऊपर आगे रखने वाले लोग भी सही अभी हैं नहीं। तो मेरी तो बड़ी, आज मैं सब बच्चों को, नई टीम को साधुवाद देता हूं कि BP-638 को भी उचित स्थान और सम्मान जो है इतिहास के पन्नों में आप लोग जो लाने की आपने आज शुरुआत की है, आगाज किया, बड़ा अच्छा है। एक दो और चीजों पे मैं चर्चा करना चाहता था। देखिए आज मीरपुर में जहां उनके VC साहब ने वो करवाया, बड़ी अच्छी चीज है, मीरपुर यूनिवर्सिटी है, आपने गौर किया होगा, मगध यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल कुमाऊं ये यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, तो हमारे इलाके में ये अकेली यूनिवर्सिटी, क्या इसका नामकरण हमारे जो बलिदानी है, हमारे दे इलाके के शौर्य और बलिदानी परंपरा को नमन करते उस रूप में नहीं किया जा सकता था? जब मगध यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड है, तो इसको अहिरवाल यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता था, या इसका नाम रेजांगला के नाम से किया जा सकता था शहीदों को सम्मान देने के लिए, राव राजा तुला सिंह जी के नाम से किया जा सकता है। 1857 की क्रांति के जो एक बड़े अच्छे नायक रहे हैं बाबू कुंवर सिंह जी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी है, तो राव राजा तुला सिंह जी के नाम से क्यों नहीं हो सकती, जबकि मीरपुर तो उनका जो है पैतृक स्थान है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम लोग थोड़ा सा सोए हुए हैं, दूसरा कुछ लोग ईर्ष्या के तहत भी, पता नहीं उनको क्या लगता है, अरे राजनीतिक द्वेष अलग चीज है, प्रतिद्वंदिता अलग चीज है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप अपनों का सम्मान नहीं करोगे तो बाहर वाले से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सब कुछ हो सकता है। मेरे को लगता है कि हमारे हुक्मरान, हमारे बुद्धिजीवी, सामाजिक चिंतन मंथन करने वाले, हमारे कौम के सरदार और जो भी खासतौर से नव युवक हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यूनिवर्सिटी के बारे में ये जो पहल जरूर होनी चाहिए, चाहे उसका नाम वीरभूमि अहिरवाल के नाम से हो, चाहे रेजांगला के नाम से हो, चाहे राव तुला सिंह जी के नाम से हो, पर यूनिवर्सिटी का जो नाम जो है सम्मान के, इस इलाके के सम्मान के रूप में इसके बारे में पैरवी जरूर होनी चाहिए। छोटे मोटे राजनीतिक द्वेष भूल जाओ। मैंने आपको बताया हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे, बाबू कुंवर सिंह जी के नाम से मैंने बताया, बुंदेलखंड के नाम से मैंने बताया, तो हमारा हक बनता है भाई, तो इस पे भी गौर किया जाए। दूसरा, 9 दिसंबर की ऐतिहासिक तारीख पे, जैसे आपने रेजांगला को दुनिया के पटल पे ला दिया है, तो 9 दिसंबर की भी ऐसी शुरुआत हो, और भी जो आने वाले जो हमारे पर्व हैं उनके बारे में भी चिंतन मंथन हो। इतिहास के लिए अभी कई नौजवान बड़े जोर शोर से पढ़ रहे हैं, बस मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए कभी भी
झूठी उसके लिए। अगर अच्छा करोगे तो ऊपर वाला और आपकी आत्मा अपने आपको जो है तृप्ति मिलेगी, दिखावे में छोड़ के और सच्चे मन से जो है इतिहास को खोज कीजिए। कई नौजवान बच्चे बहुत कर रहे हैं, बड़ी खुशी मिलती है, हम भी उन बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने में बुराई नहीं है, नॉलेज को शेयर करो, खास तौर से कौम की और इलाके की नॉलेज को। झूठे नाम के चक्करों में मत पड़ो, कई बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बीच बीच में अगर कोई आपका बुजुर्ग आपको कुछ बताता है, टोकता है, तो ये मत सोचिए कि भाई वो आपका हित चाहता है, क्योंकि वो चाहता है अगली पीढ़ी हमारे से भी बेहतर करे, हमारी पीढ़ी हमारी विरासत को संभाले, आगे बढ़ाए। तो नौजवान बच्चों की आज की जो इस पहल को फिर से नमन करता हूं, कौम को मुबारकबाद देता हूं इस ऐतिहासिक 9 दिसंबर की, और खास तौर से मैं जो है मेरी रिजांगला पलटन के जो कौमी सरदार हैं, जो कि हमारी हर सामाजिक मुहिम में सबसे आगे खड़े मिलते हैं, मैं तमाम रेजांगला पलटन के जंगी सरदारों को फिर से बधाई देता हूं आज बैटल ऑनर सिंध की और BP638 के मोर्चे को फतेह करने के लिए। हमारे महानायक, इस हिंद के महानायक, 1857 की क्रांति के पुरोधा राव राजा तुला सिंह जी बहादुर को हम फिर से नमन करते हैं। ये बड़े फख्र की बात है कि ऐसे महानायक इस वीर धरा पे पैदा हुए और हम उनके जो हैं संतानें हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप सबने एक तरह से इतिहास के पन्ने को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास को शुरू करे हैं। आज काफी बच्चों ने बहुत कुछ शेयर करा BP638 के लिए, राव राजा तुला सिंह जी के लिए बारे में भी काफी कुछ करा, और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहिए। आप खुद अचंभित रह जाओगे कि हमारा कितना स्वर्णिम जो है जंगी इतिहास है। मैंने जो यूनिवर्सिटी के बारे में उसके लिए बोला है, उसके बारे में भी चिंतन मंथन हो। कई बार बच्चे सोशल मीडिया पे ये भी कहते हैं जी प्रतिमा स्थापित करना या रोडों के नाम पर। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बहुत गलत परंपरा होगी कि हर चीज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो है राजनेता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम मानते हैं वो भी दोषी हैं, इसमें मैं अलग नहीं कह रहा, चाहे वो पूर्व का हो चाहे पश्चिम का हो। लेकिन मैंने एक चीज अपने जीवन में सीखी है, आप पूरी रूप से इनके ऊपर आश्रित मत रहिए, पहले खुद वो करिए ना प्रयास, ये तो अपने आप पीछे खींचे खींचे आ जाएंगे। क्या आप जो मोर्चा जमाया था रेजिमेंट के लिए उसमें ये नहीं आ गए सारे, अपने आप हाजिर हो गए थे? नहीं तो पहले इनमें से कोई नाम भी नहीं लेता था। तो आप देखिए ये कितनी जो ऐतिहासिक हमारी वीर भूमि, वीर नगरी है हमारा जो गढ़ है रेवाड़ी, आप देखिए कितना बड़ा एक इतिहास है कि 1971 की जंग में इंडियन नेवी को पहले महावीर चक्र, पहला उससे पहले उनके पास महावीर चक्र नहीं था। और उसके देखिए कितनी बड़ी बात, एक जीतने वाला रेवाड़ी के दाहिने बाजू में, तो एक महावीर चक्र जीतने वाले रेवाड़ी के बाएं बाजू में। भाड़ावास के वीर बबरू भान सिंह जी, किलर ऑफ कराची, उन्होंने महावीर चक्र जीता, और इधर राव चमन सिंह जी जो गोकलगढ़ के थे उन्होंने जीता। लेकिन दोनों के नाम से नाम है, न सड़कों के नाम है, मार्गों के नाम है, न कोई प्रतिमाएं हैं। और ये बड़ा एक अनूठी वो थी कि एक ने बंगाल की खाड़ी में जो पूरब में जीता महावीर चक्र, एक ने पश्चिम में जो है इसमें अरब सागर की तरफ में जीता, कराची की तरफ। मतलब बड़ा अनूठा इतिहास है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ हमारे प्रयासों में कमी है। भाई हम प्रयास करेंगे तो ये जो जितने भी राजनेता हैं ये तो अपने आप आएंगे, इनका कोई आप इनसे ज्यादा उम्मीद करिए मत। जब 20-30 साल पहले, 40 साल पहले जब इस मुहिम की शुरुआत हुई थी तो क्या कोई राजनेता आया था क्या? आज रेजिमेंट की मुहिम कहां पहुंच गई है? आज ये इतिहास जो आप लोग सब खोज के ला रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या किसी राजनेता ने 9 दिसंबर को मनाया? नहीं मनाया। आप शुरुआत कीजिए, ये तो अपने आप आएंगे। तो ये जो है इतिहास लेखन हो या प्रतिमा स्थापना हो या रोडों का जो नामकरण हो, मार्गों का,
इस सब की शुरुआत सामाजिक रूप से आप और हमको करनी चाहिए। मैंने देखा कई ग्रुप्स तो अखाड़े बन जाते हैं, तू मेरा नेता बेकार, तेरा नेता बेकार, इस तरह के। ये नहीं भाई, उनको हम अपने आप सामाजिक रूप से कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन पहले आप और हम प्रयास शुरू करेंगे। और आप देखिए, रेजिमेंट की मुहिम किसी नेता ने खड़ी नहीं करी थी, राव बालकृष्ण जी की जयंती मनाना किसी नेता ने खड़ा नहीं किया था, 9 दिसंबर किसी ने, आपने खड़ा किया, आप सबके प्रयासों की बदौलत है। और हर जगह हर रूप में आप ये देखिए, 100 साल से भी ज्यादा एक परंपरा होली गायन की, गढ़कोसली की, आसपास के गांव में वो करते हैं, जो है शिवरात्रि से शुरू होता है और धुलंडी तक वो चलता है। अलग अलग गांव की टोलियां हमारे जो पुरखों के शौर्य के बारे में गाती है, और बड़ी अच्छी परंपरा तो क्या नेता ने जिंदा रखा क्या? अरे आम आदमी, देहात का आदमी बेचारे, वो एक एक गांव करता है और वो फिर वही अपने पैसे लगाता है और वही उसका वो करते हैं, और बड़े बड़े बुजुर्ग जो है उसको जिंदा रखे हैं। तो किसी भी चीज को जिंदा रखना, आगे बढ़ाना है, तो नेताओं की तरफ मुंह देखना बंद कर दीजिए, वो अपने आप आएंगे। पुरुषार्थ आप कीजिए। तो आप सबको फिर से साधुवाद, आपके प्रयासों को, 9 तारीख के इतिहास को आप लोगों ने जिंदा किया है, खास तौर से युवाओं की जो टीम है, मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है, देखिए हर बच्चे की अपनी अब काबिलियत है, कोई इतिहास लेखन अच्छा करता है, कोई और जो है ऑर्गेनाइज जो है ज्यादा जो कोई प्रोग्राम वो अच्छा करता है, सबके अपने अपने हुआ है, कोई एक सहयोगी बहुत अच्छा करता, वो भी अच्छी चीज है। तो आप सब जो लोग कर रहे हो, आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राव राजा तुला सिंह जी बहादुर, शहीद वतन को शत शत नमन, उनकी जन्म जयंती पे BP 638 के फतेह करने वाली हमारी जंगी पलटन, रेजांगला पलटन, और उसके शूरवीर छोरों को नमन। एक इतिहासकार ने लिखा है कि जो छोरों ने ऐसे चढ़ के पाकिस्तानियों के ऊपर सही ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बड़ा मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। आप सबको 9 दिसंबर की इस ऐतिहासिक तारीख की फिर से बधाई हो, आपके प्रयासों को नमन करता हूं। जय वीर भूमि अहिरवाल, जय हीर रेजिमेंट, जय कृष्ण।